अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक हो गया आप सबका चैनल पे। तो एक और वीडियो में आपके साथ मैं हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मौसम बहुत ही अच्छा है। शाम के टाइम मैं सूरज के ऊपर मौजूद हूँ और आज बारिश हुई है अच्छी वाली। तो मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है, पहले काफ़ी दिनों से गर्मी थी, तो अब बारिश होने के बाद ज़रा मौसम कुछ सही हुआ है और थोड़ा सा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है मौसम इस तरह। तो अभी बादल आए हुए हैं, रात को बारिश होगी। तो अभी मैं छत पे मौजूद हूँ अपने जानवरों के साथ, जिस तरह मैं हर वीडियो में मौजूद होता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप सर जी। अभी मैं आया था वैसे ऊपर इनको चिड़ियों को चावल और रोटियाँ डालने। तो फिलहाल अभी बारिश रुकी है तो इस शीट को उठाएंगे। बोला नहीं, ये गंद क्या लगाया मुंह पे है, ये गंद क्या लगाया, भूखी है, भूखी है, देख के चल रहा है कि भूखी है। जिस तरह ये आ रही है ना इधर, इस तरह आती नहीं है, थोड़ी है ये रोटियां, थोड़ी हैं इनके लिए रोटियाँ, इनके लिए भूख लगी है। ये देखें मैं स्टिल लूँगा, इन्हें आ जाना। अभी मैं इधर बैठा हूँ, इनका पानी चेंज करूँगा, इनके पानी गंदा हुआ, इन सारों का पानी गंदा हुआ। और आपको एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ कि हमारे जो इधर होते हैं, इनने बच्चा दिया है, छोटा सा बच्चा जो ये है कुज्जे के अंदर है। अक्सर ये होता है कि जब हम इनके बच्चे वगैरह देखते हैं कुज्जों के अंदर ज़्यादा देखते हैं, तो ये ना अंदर ही हमारे अपने बच्चे दिखाई देते हैं, वो बच्चे मर जाते हैं, अंडे अंडे गिरा देते हैं अक्सर। तो ये अपने में आया हो ना इधर, तो ये इसी वजह से डर के अंदर गए हैं। इधर मैं इनका पानी बदल रहा था जो कि बहुत गंदा हुआ हुआ था, और इसका पानी तकरीबन हर एक दिन के बाद बदलना पड़ता है। Moments later. सूर्य निकला है और मौसम थोड़ा चेंज हुआ है। जिस तरह हमने मौसम की तारीफ की है, थोड़ी सी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है जी, हवा चल रही है, ये हो गया है मौसम कहते हैं। मैं धूप निकला ही उतार दिए, मैं वापस उधर ही हूँ। हाँ जी, क्या हो रहा है, किसे देख रहे हैं इधर से? कौन दोस्त खड़ा आपका बाहर, किसको आवाज दे रहे हैं? किसी का नहीं। 1 hour later. तो यहाँ मैं बाहर निकला था कुछ चीज़ें लेने, और मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने साइकिल निकाल लिया, तो साइकिल पे मौसम एंजॉय करते हुए मैं चीज़ें लेने गया। Few moments later. जब मैं चीज़ें लेकर वापस घर आया तो मैंने देखा कि हमारे जानवर बहुत भूखे हैं, तो
तो फिर मैं सोचा कि नहीं कुछ खाने के लिए डाल दें। इधर से हमने पट्ठे लिए और पट्ठे लेके मैं ऊपर गया ने पट्ठे डालने के लिए। इधर आकर मैंने पट्ठे चारपाई पर रखे और इनके खाने वाला बर्तन खाली किया। खाली करके इसके अंदर पट्ठे डालने थे, थोड़े से पट्ठे मैंने बकरी के लिए डाल दिए और बाकी बकरे ने इधर से खाना शुरू कर दिया। जानवर संभालना और इनका ख्याल रखना यकीन माने बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपको जानवर संभालने के लिए इनके साथ खुद जानवर बनना पड़ता है और इनकी सेहत वगैरह का ख्याल रखना पड़ता है। इन्हें भूख जब लगे, जब बोलें तो इनका ख्याल रखना पड़ता है। और वैसे तो मैं इतना ख्याल नहीं रखता, मेरे छोटे बहन भाई ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन इनका केयर टेकर मैं ही हूँ। ज़्यादा ख्याल मेरे से नहीं रखा जाता, मेरे छोटे बहन भाई ज़्यादा ख्याल रखते हैं इनका। तो यहाँ मैंने इसका बर्तन चेंज कर दिया था बकरी का, क्योंकि पट्ठे नीचे गिरा रहा था और इधर हमारी बकरी पट्ठे खा रही थी। फिर मैं इनकी खिदमत में लेकर आया पानी, जो कि जिसको बकरे ने बिल्कुल ही मुंह लगाया। हमारी बकरी ने थोड़ा सा पानी पिया और इसको पानी पिलाने के बाद मैंने बकरे को अच्छा जोर लगाया कि वो पानी पी ले, लेकिन उसने पानी नहीं पिया। कहता नहीं पीना, जा ले जा पानी। फिर मैंने बर्तन को उधर ही रखा कि जब इसका दिल करेगा खुद ही पानी पी लेगा। A few inches later, इधर बैठा मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरा लैपटॉप पड़ा है, मेरे नोट्स वगैरह हैं और यही मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मिलता हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।